भी प्रोडक्ट मैंने अपने हाथ पे प्लस फेस पे अप्लाई करके आप लोगों के साथ शेयर किए हैं वो सारे के सारे नेचुरल लाइट में किए हैं। सो इसमें कोई भी आर्टिफिशियल लाइट या फिर कोई भी फिल्टर यूज़ नहीं किया गया है। जो भी कलर एंड जो भी आप लोगों को दिखाई दे रहा है वो एकदम से रियल ट्रू वही सारी चीज़ें हैं। हेलो हाय, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। कैसे आप सभी लोग। सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अफोर्डेबल मेकअप एंड स्किन केयर हॉल, जिसके अंदर आप लोगों को न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट मिलने वाले हैं। जैसे आप लोगों को पता है कि अफोर्डेबल प्रोडक्ट के पिताजी यानी ब्लू हेवन है, उन्होंने नए नए प्रोडक्ट अभी लॉन्च किए हैं। इसके साथ ही एल्फ गुडनेस जो कि पर्पल की खुद की ही एक ब्रांड है, जिन्होंने भी अपने काफ़ी सारे नए स्किन केयर के प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। सो उनकी कैसी क्वालिटी है, कैसे हैं, वो सारी चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस कर ली। काफ़ी दिन हो गए इस हॉल को आए हुए, काफ़ी दिन हो गए इन सारे प्रोडक्ट को आए हुए, तो मैं आप लोगों के साथ मेरा होने सा रिव्यू भी शेयर करूंगी, साथ ही में सारे प्रोडक्ट के बारे में भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी किस तरह के आपको लेने चाहिए, नहीं लेने चाहिए, आपको अपने पैसे लगाने चाहिए कि नहीं लगाने चाहिए। साथ ही मैं बता दूंगी कि मैंने ट्राई किए कि ये प्रोडक्ट जो है वो अंडर 200 की रेंज में, जी हाँ, आपको 200 रुपये की रेंज में ये प्रोडक्ट मिल जाएंगे, विथ ऑफर मिलेंगे, बट मैंने 200 की रेंज में ही इनको बाय किया है, सिवाय एक प्रोडक्ट को छोड़ करके कि वो थोड़ा सा हाई रेंज का है या फिर हम बोल सकते हैं कि 200 से अबव की रेंज का है। पहली बार देख रहे हो तो आपको सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, नीचे कमेंट जरूर करना है कि कौन सा प्रोडक्ट आपने ट्राई कर लिया एंड कौन सा आपको लग रहा है कि आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। सो नाउ अपन वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। ओके, तो जो सबसे पहला प्रोडक्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो है ब्लू हेवन का ये वाला आई शेडो स्टिक। मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस्ड हूँ इससे, इसलिए मैं सबसे पहले यही वाला प्रोडक्ट उठा रही हूँ। एंड ये आई शेडो स्टिक है जो बिगनर्स है उनके लिए दी बेस्ट है, कॉलेज गोइंग टीनेजर्स है उनके लिए दी बेस्ट है। एक तो ये बहुत ही ईजिली अप्लाई हो जाता है, बहुत ही अच्छा लुक आता है। जो भी मैंने आज अप्लाई किया अपने फेस पे वो सारा का सारा इसी होल में से ही ट्राई किया है, मैंने कुछ कुछ ट्राई करके आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो इनके प्रोडक्ट आ रहे हैं सबकी, ये बेबी पिंक वाली जो पाउडर पिंक जो बोलते हैं या बेबी पिंक जो भी बोलते हैं उस तरह की ये पैकेजिंग में आता है एंड बहुत ही प्यारी सी क्यूट सी पैकेजिंग है। पैकेजिंग पे भी उन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट डाले हैं जो कि मैं आप लोगों को दिखाई रही हूँ। ब्लू हेवन के आई शेडो पेन स्टिक है वो कुछ ऐसे पेन स्टाइल में ही आती है, बहुत ही ज़्यादा हैंडी, आप अपने बैग में रख के कहीं पर भी आ जा सकते हो, ले जा सकते हो, कोई भी इसके अंदर मेस नहीं फैलता है, एक छोटे से बैग में भी आराम से आ जाएगी, बस उसकी लंबाई इतनी होनी चाहिए। सो ये दोनों साइड से ओपन होता है, इस साइड से एंड इस साइड से। एक साइड इसका एकदम से मैट रहेगा, यानी आप आराम से अप्लाई कर सकते हो, मैट में अलग अलग साइड रहेंगे एंड एक साइड में आपको ग्लिटरी साइड मिल जाएंगे। सो जैसे आप लोगों को अगर मैं नज़दीक से दिखाऊँ तो ये जो है वो ग्लिटरी साइड है गोल्डन कलर का, जो मेरा सेट है वो गोल्डन एंड मैंने ब्राउन का कॉम्बिनेशन लिया है जो कि मुझे बहुत ही सही लगा एंड ये वाला कॉम्बिनेशन आपके सारी ड्रेसेस पे बहुत परफेक्टली जाएगा। ये रहेगी, बहुत ही अच्छा सेटल्ड है, बहुत ही अच्छा लगता है, फाइन देता है, एकदम क्लासी दिखता है, दिखने में बिल्कुल ऐसे मैसी मैसी नहीं दिखता। जिनको मेकअप नहीं आता ना वो भी ईजिली अब आई लुक कर सकते हैं। इन सेकेंड मैंने ये वाला लुक किया एंड विद इन सेकेंड किया, मैंने कुछ भी मेहनत भी नहीं की कि आप लोगों को कुछ अलग करके दिखाऊँ। आगे की किसी वीडियो में आपको प्रॉपर देखने को मिल जाएगा ट्यूटोरियल जो बोलते हैं। ये देखें, ये है जो डार्क ब्राउन है एंड ये गोल्डन जो है वो गिल्टरी सेट है, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन आपको अलग अलग मिल जाएंगे। जैसे ये पीस कलर में रहेगा, ये गोल्डन पीस रहेगा। अगर मैं इसकी रियल प्राइस की बात करूँ तो ओनली 250 में आपको मिल जाता है और ऑफर, जैसे अभी सीजन चल रहा है तो ऑफर में अगर आप इसको बाय करोगे तो आपको 200 की रेंज में या 200 से भी कम की रेंज में आराम से मिल जाएगा। सो ये वाला स्टिक तो मैं आप लोगों को बाय करने के लिए 100% रिकमेंड करूँगी और स्मज प्रूफ है। ये भी मत सोचो कि ये कहीं चला जाएगा, हिल जाएगा, एकदम से स्मज प्रूफ है, कहीं नहीं जा रहा है, ये देखो कहीं नहीं हिल रहा है। सो ये आपकी स्किन पे टिकेगा भी आराम से एंड स्मज प्रूफ है, आराम से इजीली आप यूज़ कर सकते हो। सो गो फॉर इट एंड मुझे ये सबसे अच्छा लगा। ओके, तो मैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करूँ तो वो है ये RF कंपनी की मॉइस्चराइजिंग क्रीम। ओके जी, तो यहाँ पे ब्रांड का नाम रावेशिंग फैशनिस्टा है। इसके आपके प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट, अमेजन हर जगह मिल जाएंगे। ये एक ऑस्ट्रेलियन बेस्ड कंपनी है जिन्होंने अपना नया नया स्किन केयर लॉन्च किया है इंडिया में बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे और बहुत ही हाई क्वालिटी के साथ। ये सारे आपको मिल जाते हैं प्रोडक्ट, जैसे मॉइस्चराइजिंग क्रीम भी मिल जाता है, सीरम भी मिल जाता है। तो ये अभी जो विंटर्स के लिए है आप यूज़ कर सकते हो अपने डे टू डे लाइफ की स्किन केयर में। इनकी क्वालिटी गजब की है, बहुत ही अच्छी है एंड प्राइस भी बहुत ही अफोर्डेबल सी है। अगर मैं बात करूँ इंग्रेडिएंट्स की तो इसके अंदर कोजिक एसिड है। कोजिक एसिड जो है वो ड्रामालोजिस्ट भी अपन को सजेस्ट करते हैं अपनी स्किन को लाइटन अप करने के लिए। आपके डार्क स्पॉट हो गए हैं, कहीं कहीं पिंपल्स के निशान जो हो गए हैं उनको ये कम कर देता है, हटा देता है पूरी तरह से धीरे धीरे करके। साथ ही में हाइपर पिगमेंटेशन जो हो जाती है वो भी ये हटा जाते हैं। जो मैं सेटिस्फाइड हूँ इससे एंड ये इसके अंदर बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस आती है। बात करूँ पैकेजिंग तो बहुत ज़्यादा लग्जूरियस थी, कोई हाई क्वालिटी ब्रांड की जो पैकेजिंग आती है ना बिल्कुल वैसी, व्हाइट एंड रेड का बहुत ही प्यारा सा कॉम्बिनेशन है, साथ ही में गोल्डन
इसकी कैप है, तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अगर आपको बाय करना हो तो प्लीज गो फॉर इट। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ एल्फ गुडनेस के फेस वॉश की। अभी एल्फ गुडनेस के प्रोडक्ट्स भी बहुत ज्यादा न्यू लॉन्च हुए हैं एंड दिखने में उनकी पैकेजिंग एंड बहुत ही ज्यादा टेम्पटिंग लग रहे हैं कि उनको बाय करके ट्राई करना चाहिए। तो मैंने काफी सारे प्रोडक्ट ट्राई किए हैं, आप लोगों के साथ एक दो करके शेयर कर रही हूँ। सो ये फेस वॉश है जो कि मैंने यूज किया है, ओ माई गॉड, बेस्ट क्वालिटी, बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव मैं इसको बोलूंगी। इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट है, स्पेशल इंग्रेडिएंट डाले गए हैं इसके अंदर, आपको अलग अलग वेरिएंट मिल जाएंगे। ऑयली स्किन के लिए अलग आता है, ड्राई स्किन के लिए अलग आता है, नॉर्मल स्किन के लिए अलग आता है एंड सेंसिटिव स्किन के लिए अलग आता है। मैंने जो ट्राई किया था वो था ड्राई स्किन के लिए। इसके अंदर राइस है, ल्यूक्रिस है एंड नियासिनमाइड एसिड जो होता है ना वो है, एंड वो ड्राई स्किन के लिए दी बेस्ट होता है। जब आप फेस वॉश यूज करते हो उसके बाद आपकी जो स्किन खींची खींची रहती है ना वो बिल्कुल नहीं रहती है। साथ ही में यूज करने के बाद एक बहुत ही प्यारा सा ग्लो आ जाता है जो कि मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया। जैसे इसके अंदर राइस, ल्यूक्रिस, नियासिनमाइड है, किसी में हाइलुरोनिक एसिड है, किसी में ग्रीन टी है। तो इस तरह आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन भी मिल जाएंगे, आप अपने इंग्रेडिएंट खुद चूज कर सकते हो। साथ ही में अगर मैं प्राइस की बात करूं तो इसमें 209 रुपए लिखे हुए भी ठीक आती है, पैसे भी ज्यादा नहीं लगते, एक बार ट्राई कर सकते हो, अच्छा खासा प्रोडक्ट है ये, जा सकते हो आप इसके लिए। नेक्स्ट मैं बात करूंगी अगेन एल्फ गुडनेस के ही बारे में, क्योंकि ये प्रोडक्ट सिर्फ वहीं पे मिल रहे थे पर्पल पे, इसीलिए मैंने ये पर्पल होल ऑर्गेनाइज्ड किया है। ओके, तो ये एल्फ गुडनेस का फेस मॉइस्चराइजर है। इसकी पैकेजिंग बहुत ही ज्यादा अच्छी, इस तरह की पंप वाली जो पैकेजिंग आती है ना ये मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। ग्रीन कलर का ये पूरा है जो कि इनका सारे प्रोडक्ट एक जैसे, जो इसके इंग्रेडिएंट है अगेन लिखे हुए ग्रीन टी, विटामिन सी, नियासिनमाइड। ये जो है नॉर्मल टू ऑयली स्किन वालों के लिए, इसके अंदर नियासिनमाइड था, नियासिनमाइड एसिड जो है वो मेरे फेस पे बहुत अच्छे से सूट होता है। और इसी तरह आप भी यहाँ पे अपने जो भी आपकी स्किन टाइप है वो देख करके आप बाय कीजिए। इसकी क्वालिटी की तो उससे पहले मैं बात करने वाली हूँ इसकी क्वांटिटी की, जो कि बहुत ही कम है। मैं जो सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटेड इस चीज़ से हूँ कि इसकी क्वांटिटी बहुत कम आती है, 30 ml ओनली। तो 30 ml तो बहुत कम क्वांटिटी में इसको बोलूँगी, एक तरह की एक फेस क्रीम बोल सकते हो, फेस मॉइस्चराइजर ना हो भी। और जो इसकी प्राइस है वो 249 and 250 की, बाकी ये 250 में महंगा है, इतना सस्ता मैं इसको नहीं बोलूंगी। हाँ ये अच्छा है, नो डाउट, चिपचिप नहीं करता है। देखो इसका टेक्सचर कुछ इस तरह का है, एकदम से ग्रीन कलर का है क्योंकि ये ग्रीन टी मैंने बताया ना इसके अंदर है, एंड एकदम पानी के जैसा जो होता है ना बिल्कुल वैसा है, ये क्वालिटी की वैसे दिखने में लगती है। एंड इसमें ग्रीन टी की जो फ्रेग्रेंस होती है ना वो आता है। एल्फ गुडनेस का ग्रीन टी मैंने टोनर यूज किया हुआ है तो बिल्कुल ऐसी ही फ्रेग्रेंस उसमें आती थी, काफ़ी अच्छा था वो भी। सो ये कुछ ऐसा सा है एंड आपकी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज्ड कर देते हैं, क्योंकि अभी विंटर्स आ रहे हैं तो विंटर्स के अकॉर्डिंग मैंने सारे प्रोडक्ट खरीदे हैं। एक तरह से आप इसको विंटर एसेंशियल होल बोल सकते हैं। ये पैराबिन फ्री है, सल्फेट फ्री है, सिलिकॉन फ्री है, तो आप अपने फेस पे आराम से इसको यूज़ कर सकते हो। 100% नेचुरल तो नहीं बोलेंगे बट स्टिल काफ़ी सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट है जो कि आपके फेस को मॉइस्चराइज रखेंगे, हेल्थी रखेंगे, अच्छा। ओके, तो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट मैंने बाय किया है ये है NYBA की बीबी क्रीम। ये भी न्यूली लॉन्च है, सबसे अच्छी बात मुझे लगा SPF 15 इसके अंदर इंक्लूड है, SPF 15। ये जो टीनेजर्स, कॉलेज गोइंग गर्ल्स है उनके लिए बहुत अच्छी क्रीम मैं बोलूंगी। साथ ही में डे टू डे आप घर पे कुछ मेकअप वेकअप करना चाह रहे हो तो भी आप लोगों के लिए बेस्ट है, कुछ फोटो वोटो के लिए कर रहे हो तो भी सही है। बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी की जो कवरेज देता है वो नहीं देता है, मीडियम टू सीर कवरेज ये देती है। प्लस इसके अंदर आपको काफ़ी सारे सेट मिल जाएंगे। जो सेट मैंने बाय किया है वो है कोकोनट मिल्क। जो क्वांटिटी आती है वो आती है 25 ग्राम, जो कि मुझे बहुत कम लगती है, एंड जो इसकी प्राइस है वो है 220। अगर इन्होंने कॉलेज गोइंग गर्ल्स का सोचकर खरीदा है तो 220 आई थिंक थोड़ा सा बिट एक्सपेंसिव है। अगर मैं बात करूँ टेक्सचर की एंड टेक्सचर की प्लस सेड की, तो ये देखिए ये कोकोनट मिल्क वाला जो सेड है वो कुछ ऐसा सा है। अगर होगा कि मैंने यही अप्लाई कर रखा है तो ये स्किन टोन से आराम से मैच करता है। थोड़ा सा आप अपनी स्किन टोन से एक सेड लाइट अगर खरीदोगे तो आई थिंक ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये चीज़ें ना ऑक्सीडाइज होती है, एक सेड डार्क हो ना तो बहुत दबा दबा सा अपना फेस लगता है, तो एक सेड लाइट हो तो ज़्यादा बेटर लगता है। सो इसका टेक्सचर बहुत अच्छा है, प्लस बिल्कुल भी ड्राई नहीं करता, केक ही नहीं बनाता अपनी स्किन को, बहुत अच्छे से सेट हो जाती है एंड काफ़ी देर तक टिकती है। ऐसा तो नहीं है कि 5-6 घंटे टिकती है, 2-4 घंटे आई थिंक ज़्यादा से ज़्यादा टिकती है। ये आपको 150 की रेंज में मिल रही है तो आप खरीद सकते हो, बट 220 की रेंज में मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। बात करती हूँ नेक्स्ट प्रोडक्ट की, वो है ये SQ का काजल, जो कि व्हाइट
कलर में मैंने लिया है, इसकी जो केप है वो मुझे नहीं मिल रही है। सो काफ़ी अच्छा काजल है ये भी, आपको 200 की रेंज में मिल जाएगा। सो व्हाइट काजल जो होता है नॉर्मली आपकी आंखों को बड़ा दिखाता है, एंड मैंने आज व्हाइट काजल ही लगा रखा है बड़े बड़ी आंखें करने के लिए। सो अगर मैं बात करूँ इसकी पिगमेंटेशन की, बहुत ही अच्छी है। ओके, ये भी काफ़ी देर तक टिकता है आपकी आंखों पर, मुझे 2 घंटे तो हो ही गए होंगे लगाए हुए एंड अभी तक मेरी आंखों पर वैसा का वैसा है, जबकि मेरी आंखें बहुत ही ज़्यादा वॉटरी है, कोई भी आंख काजल इतनी देर तक टिकता नहीं है। काफ़ी अच्छा है, स्टे करता है, 250 में बहुत सही है। व्हाइट काजल, ब्लैक काजल, काफ़ी सारे ऑप्शन आप बाय कर सकते हो, मेरी तरफ से इसके लिए भी थम्स अप है बिल्कुल। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है वो है एस्टे क्यूर्की की मिनी लिपस्टिक, में से मैंने ये लिया है एंड एक न्यूड कलर मैंने इसमें से फाइंड किया है, वो है आई वॉक अप लाइक दिस 3, इसका सेट नंबर है, जो कि मैंने अभी अप्लाई कर रखा है। कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आती है ये, टाइगर वाला प्रिंट एंड कुछ ऐसे सी, एंड सेम ये जो मैंने लगा रखी है ना, सेम वही है। तो मैं यहाँ पे आपको मेरे हाथ पे स्वाइप करके दिखा देती हूँ, सो दैट अगर आपको बाय करना हो, डे टू लाइफ के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इसके अलावा आप वाइट, ब्लैक, ऐसे कोई ड्रेसेस पहन रहे हो उस पर भी बहुत अच्छा सजाएगा। सो ये था आज का छोटा सा हॉल। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड नीचे कमेंट करना कि कौन सा प्रोडक्ट आपको अच्छा लगा। इस तरह की वीडियो अगर और चाहिए तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करना एंड वीडियो को लाइक करना, सो दैट ऐसे नए नए वीडियोज़ मैं लेके आती रहूँ। मिलती हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।